टिकट की जब बात होती है, आप लोग एक बात कहते हैं विनेबिलिटी, तो विनेबिलिटी फैक्टर के चलते कई बार ऐसे भी लोगों को टिकट मिलता है जिनकी उम्मीद लोगों ने पार्टी से आपके नहीं की होती है। क्या है ये विनेबिलिटी फैक्टर, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, एक कार्यकर्ताओं का दल है तो उसी के आधार पर हम लोगों को टिकट एक दूसरे को, जो नहीं मांगता उसको भी टिकट मिल जाता है, जो घर बैठा रहता है वह भी राज्यसभा में चला जाता है, जिसका टिकट कट जाता है नहीं कुछ मिलता है तब भी वह कभी राज्यपाल बन जाता है, कभी बड़े बड़े पद पर पहुंच जाता है। इसलिए इस पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं की चिंता होती है, किसी का अपमान नहीं होता है। आप लोग जैसे कहते हैं कि परिवारवाद नहीं है, परिवार के लोगों को टिकट नहीं देंगे, बहुत सारे आपके नेता इस वजह से नाराज भी इस चुनाव में भी हुए, लेकिन फिर भी कई नेताओं के, सांसदों के, विधायकों के परिवार वालों को आपने दिया, तो विनेबिलिटी थी? नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। किसी सांसद के बेटे को जो पहले टिकट है, जो पहले से है, बाकी किसी को नहीं दिया। संदीप सिंह जी को टिकट मिला, फागू चौहान को टिकट मिला, कोई और पद पर हो संदीप सिंह जी को नहीं? यदि आप सांसद विधायक हैं तो नहीं मिलेगा। अब राजनीति से आप संन्यास ले लिए हैं, अब लगता है अब दोबारा आपको नहीं है। कहाँ राजीव, राजवीर सिंह राजू भैया ने संन्यास कहाँ लिया? वो पहले से है, बेटा संदीप, उनका बेटा पहले से चुनाव लड़ रहा है, पहले से विधायक था, इसलिए उसको विधायक लड़ाया गया, जो पहले से हैं उनको दिया गया है। लेकिन नए तरीके किसी सांसद के बेटे को, देखो कार्यकर्ता के आधारित पार्टी, कार्यकर्ता बहुत तपस्या करता है, तप करता है, उसके आधार पर हम लोग यहाँ पहुँचे। पहले एक पार्षद जीत जाता था ना, हम लोग बुंदेलखंड में मिठाई बांटते थे, गाजियाबाद में मेयर बन जाता था तो कार्यालय में उत्सव मनता था। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ताओं के तपस्या के कारण हमारा गौरवशाली इतिहास है, उसके आधार पर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सभी की सोच रहती है, ऐसा मत करो, ये कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाओ, कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है, और जनता की सेवा करो, जनता जनार्दन की सेवा के लिए। देखो कोरोना महामारी में भी ना, इसी कारण संगठन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर, नड्डा जी के, हम अपने घर से पूड़ी और भोजन बनाकर गरीबों को बांटा, जिस समय कोई राजनीतिक दल दिखाई नहीं दे रहा था, उसका लाभ आपको मिला है? हाँ, जीवन का, अपने जीवन का परवाह भी नहीं किया, कई लोग शिकार भी हो गए बेचारे, हमारे कार्यकर्ता चले गए और संगठन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता भी चले गए, लेकिन फिर भी वह गरीबों को लैया चना, सतुआ, खीरा अपने बाग से, अपने खेत से, अपने घर से ले जाकर प्रवासी मजदूरों को देता रहा, सैनिटाइजर, दवा, सब कुछ उपलब्ध करवाता रहा। अच्छा एक बात बताइए, अब दूसरी बात पर आते हैं, कई चीज़ें ऐसी वायरल होती हैं या कही जाती हैं, आप क्या उन पर ध्यान देते हैं? आपकी एक तस्वीर, चाहे वो मुख्यमंत्री जी का पैर छूने को लेकर को, वो भी वायरल है, कई बातें कही गई, तो इन सब बातों को ऐसे सोचते हैं कि नहीं इन पर ध्यान नहीं देना है, कि ध्यान देते भी हैं? इसको विपक्ष मुद्दा बनाता है। विपक्ष क्या मुद्दा इसको बनाएगा? हम लोग एक दूसरे का विपक्ष ने तो आपने सम्मान में पैर छुए, वो गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, लेकिन विपक्ष ने तो ये कहा, अभी तक अखिलेश जी कहते रहे कि ओबीसी का सम्मान नहीं है इसलिए उन्होंने पैर छुआ उनकी जाति को लेकर के, तो ये सारी बातें भी देखिए, हम सबके यहाँ बड़ों का सम्मान होता है और बड़ों का हम लोग चरण बन गए, बड़ों का हम लोग सम्मान करते हैं, संतों ऋषियों का सम्मान करते हैं, भगवा के प्रति यहाँ बहुत लगाव है लोगों में, बड़े बड़े लोग सन्यासी हैं, तपस्वी लोग हैं, जो समाज में प्रतिष्ठा रहती है तपस्वी सन्यासियों का, तो उनका पैर स्वभाई का छूना चाहिए और छूते हैं लोग, और संस्कार भी हमें यही सिखाता है। देखो क्या है, जो हमारे शास्त्र हैं ना, संस्कार सिखाते हैं, तप सिखाते हैं, त्याग सिखाते हैं, तपस्या सिखाते हैं। इतना त्याग कहीं देखा है आपने? रामायण देखिए, एक भाई जंगल में, दूसरा भाई सेवा के लिए, तीसरा भाई खड़ाऊँ रखकर सरकार चला, शासन चला रहा है, और जब कौशल्या ने, मैया ने पूछा कि छोटी बहू से तुमने शत्रुघ्न को देखा, बोले मैं उसे स्वयं 11 साल से मैंने देखा, वह घर के बाहर बैठकर। तो जो जो अपने शास्त्रों के अनुसार चलता है ना, अपने देश का सम्मान बढ़ता है, समाज का सम्मान बढ़ता है। तो पहले गाँव में आप देखी होंगी, हरवा चरवा छोटी जातियों के थे, फिर भी काका चाचा ताऊ लोग कहते थे,
और वह हरवा जो घर का था मालिक होता था काका, यानी छोटी बहू को विदा करवा के वहीं लाता था, कोई नहीं जाता था। इतना समाज में सम्मान था, इसी परंपरा को तो कायम करना है। आज पति जाता है विदा करने वाले, पहले वहीं घर का नौकर जो हरवा रहता था छोटी जात का, इतना घर का मालिक होता था कि सब बहुएं उससे डरती थी और घर चलाता था पूरा। सब्जी क्या बनेगा वह तय करता था, दाल क्या बने वह तय करता था, बहू के यहाँ तीज पर त्योहार पर कब क्या जाएगा उसको पूरी जानकारी घर की थी, पूरा विश्वास था। विपक्ष के पास ये कोई मुद्दा नहीं है। एक बात जरूर, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अभय सिंह को गिरफ्तार किया गया, कल उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी की बीजेपी भीड़ यहाँ पर दिख रही है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम आखिरी सवाल यहाँ पर लेते हैं कि अभय सिंह को गिरफ्तार किया गया, वो पहले ही बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे थे, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अभी भी क्लैश के मुद्दे? देखिए, ये घटनाएं जो घटित, कानून अपना काम करता है, इस पर कोई टिप्पणी, कानून अपना काम करता है। लेकिन मैं यही आग्रह करता हूँ, चुनाव के समय जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर चुनाव लड़ना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं करना चाहिए।